मामला है जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के उप डाकघर का, जहां एक नटवरलाल डाकपाल ही गरीब जनता का लगभग 90 लाख रुपए डकार कर फरार हो गया, जबकि विभाग कुमकर्णी नींद पे सोया हुआ है। एक साल बाद विभाग के इस गबन का मामला सामने आया और विभाग के आला अधिकारी हरकत में आए। जब तक नटवरलाल बहरुपिया लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो चुका था। दो साल बाद आई विभाग की जांच में बिजनौर प्रधान डाकघर के ही 40 निर्दोष कर्मचारियों को विभाग से आला अधिकारियों ने दोषी बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। विभाग की संदेही कार्यवाही से कर्मचारी व उनका परिवार गहरे सदमे में है, जिसे लेकर कर्मचारी अपने विभाग के आला अधिकारियों का लगातार दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विभाग के आला अधिकारियों ने अपनी लापरवाही का ठीकरा निर्दोष कर्मचारी बलबीर सिंह व अन्य 39 कर्मचारियों पर लाखों रुपयों की रिकवरी थोप कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। जब यह चौंकाने वाला मामला सामने आया तो कर्मचारियों के होश उड़ गए और विभाग द्वारा की गई इस गलत कार्यवाही से क्षुब्ध होकर निर्दोष कर्मचारी अपना दुखड़ा सुनाने डाक अधीक्षक के घर गए। अधीक्षक ने उल्टा उन्हें झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। बलबीर सिंह जी, इस 83 लाख का गबन का मामला चल रहा है डाकघर में, क्या है पूरा मामला? ये 83 लाख का जो गबन का मामला, वो नजीबाबाद का है। मेरा इससे लेना देना नहीं, मैं नजीबाबाद पोस्ट ऑफिस में कभी मैंने काम भी नहीं किया, मैंने मुख्य डाकघर भी नहीं काम किया है। और इसका जो गबन का मुख्य आरोपी, वो इससे पैसे लेकर भाग गया, जो इनको अता पता नहीं है। ये बिना किसी इस कारण मेरे पे रिकवरी डाल रहे हैं, मैं इनसे मिलने गया तो इन्होंने गया। कितने लोगों पर रिकवरी डाला है? 40 लोगों पर रिकवरी डाली है। आप पे कितनी रिकवरी आई? मेरे पे जो है उन्होंने 15 लाख की रिकवरी डाली है, जो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं बे भी आ रहा। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और ये रिकवरी मेरे से हटाई जाओ, जो मेरे से कटौती हो रही है। जी, आज जो ये आपके पति को थाने में बुलाया गया था, क्या है ये मामला? मेरे पति के साथ गलत हो रहा है डाकखाने में। क्या गलत हो रहा है? इन्हें फंसाया जा रहा है केस का, नजीबाबाद का। तो आज आप जब थाने गए तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ इनको बोले कि तुम्हें हम बंद करेंगे 1 साल के लिए। क्यों बंद करेंगे, क्या गुनाह है? ये साहब से मिलने गए थे, अपनी परेशानी सुनाने गए थे। अच्छा। तो उल्टा इन्हें डांटा लगे, गाली गलौच हो, इन्हें बंद करने लग गए। आपके साथ क्या हुआ? 83 लाख का मामला नजीबाबाद का डाकघर में हुआ है, क्या है सर? ये एक हमारा पोस्ट ऑफिस है नजीबाबाद तहसील में, इसमें ये सिंगल हैंड पोस्ट ऑफिस है, एक ही आदमी काम करता था। तो उसने जो है फर्जी विड्राल वगैरह करके और भी कुछ TD जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उसमें भी फ्रॉड किया है, कुछ RD के अकाउंट थे तो उसमें उसने फ्रॉड किया, उसका तो पता कुछ नहीं चल रहा है। FIR वगैरह कराई जा चुकी है काफ़ी पहले, लेकिन पुलिस से अभी रिपोर्ट हमें मिली नहीं है कि कहाँ वो भाई कहाँ। नहीं, उन्होंने कोई वहाँ कार्य नहीं किया, लेकिन प्रक्रिया ये है कि वहाँ के जो भी कार्य होता है पोस्ट ऑफिस में, उसका अकाउंटिंग यहाँ से होती है बिजनौर HO से, और उसके कागज वगैरह आते हैं, तो वो चेकिंग की जिम्मेदारी यहाँ पर जो है बिजनौर HO के कर्मचारियों की होती है संबंधित। वो लैपसेज जो है पाई गई, इन्होंने कई चेकिंग नहीं की लोगों ने। इसमें जो है कितने लोगों को वो किया गया, कितने लोगों को? इसमें लगभग 40 लोग हैं, 40 लोग हैं। मुख्य दोषी तो पोस्ट मास्टर जब्बार अली ही है, जो कि जिसके पता नहीं चल रहा है कहाँ पर वो है। हाँ, जनता को हम लोग वापस कर रहे हैं, उनके क्लेम्स वगैरह भराए गए हैं, और जिसके पास प्रामाणिक उसकी किताबें हैं और दस्तावेज हैं, तो लगभग काफ़ी क्लेम हम लोग सेटल कर चुके हैं, बहुत थोड़े ही बचे हुए हैं, ज़्यादातर सेटल हो गए। बिजनौर से राजू फहीम की खास रिपोर्ट।